नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। संभल के भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह का बयान आया है। प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर बयान दिया। भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य चौधरी हरपाल सिंह की आंशिक रूप से खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बताया कि 700 किसान की शहादत का जिम्मेदार कौन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह चौधरी ने कहा, जब तक SC ST की मांग पूरी नहीं रहेगी, जारी बॉर्डर पर बैठे डटे रहेंगे। अभी तो कहा है कि अमल कब होगा यह देखेंगे। आज तक का वादा ही वादा मोदी सरकार कर रही है, अगर निभाएंगे तो समझेंगे। लड़ाई झुकने झुकाने की नहीं है, ये लड़ाई है कि प्रधानमंत्री को एक साल बाद समझ में आई ये बात, 700 किसान शहीद होने के बाद समझ में आई कि भारत के किसान जो कह रहा है वो सही है। और यही बात पहले हुई थी जब किसान, जब प्रधानमंत्री जी किसानों की जमीन छीनने का लाए थे अध्यादेश 3 लाए थे, वो भी एक साल चला पूरा आंदोलन। इन प्रधानमंत्री दिक्कत ही है, इनकी सोच थोड़ा डिक्टेट है और ये जल्दी मानते नहीं है। लेकिन आज उन्होंने माना, चलो खुशी आज माना। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हर निर्णय, मेरा यही प्रधानमंत्री निवेदन है, प्रधानमंत्री जी हर निर्णय आप अपने वोट को देखकर मत किया करो। आज चुनाव आ रहे पंजाब में, यूपी चुनाव आ गए, अब आपने देख लिया पूरी तरीके से आज पंजाब की हालत क्या है, आपके नेता खुद नहीं पा रहे हैं। आज यूपी की हालत ये है कि आप रैलियों में सरकारी DM आपकी फसल भेज कर रैली करा रहे हैं, आपको लोग देखने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये सब वोट को देख। अब खबर आगरा से है, जहां कृषि कानून को वापस होने की घोषणा के बाद किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। वहीं किसान नेताओं का कहना है कि अभी ये हमारी अधूरी जीत है। जब तक प्रधानमंत्री इस कानून को संसद में वापस नहीं लेते, तब तक किसान अपने अपने जगह पर मौजूद रहकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। एक साल में भी जरूर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी किसान जो है पूर्ण आजादी नहीं मान रहा है जब तक हमारी MSP की गारंटी पूरी नहीं हो जाती। अभी MSP की गारंटी नहीं है तब तक हम अधूरी आजादी मानते हैं। हमारा 22 नवंबर को लखनऊ में घेरा डालो डेरा डालो बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े बड़े पूरे देश के नेता इकट्ठे हो रहे हैं। उसमें जो निर्णय होगा, समस्त किसान, भारतीय किसान यूनियन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी अक्षर से उसका पालन करेगा। खबर आगरा से है, जहां किसानों में आज खुशी देखने के लिए मिली है। जहां तीनों कृषि कानून के वापस होने से किसानों में जोरदार प्रदर्शन आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। वहीं किसान नेताओं का ये भी कहना है कि अभी ये हमारी अधूरी जीत है। जब तक प्रधानमंत्री इस कानून को संसद में वापस नहीं लेते हैं, तब तक किसान अपने अपने जगह पर मौजूद रहकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। तीनों कृषि कानून के वापसी होने पर बुलंदशहर के किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस मौके पर सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर आतिशबाजी करके जश्न मनाया। मौके पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के NCR महासचिव मांगेराम त्यागी ने बताया कि आज एक साल बाद किसानों की जीत हुई है। आगे उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार पहले ही किसानों की बात मान जाती तो सैकड़ों किसानों की शहादत नहीं होती। हाँ, किसानों में रोष है क्योंकि किसानों की मांगे जायज थी और किसानों को ये खालिस्तानी पाकिस्तानी इस तरीके सरकार के नुमाइंदे किसानों को बदनाम कर रहे थे और कुछ TV चैनल भी उसमें सरकार की मिली भगत में शामिल थे। उस आज मोदी जी की घोषणा से ये सिद्ध हो गया है किसान अपनी मांगों पर ठीक था और सरकार के कानून गलत थे। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये उन किसानों की जीत है जिन 812 किसानों ने इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे दी। सबसे बड़ी जीत उन माताओं और बहनों की है जिनके भाई चले गए, जिनके पुत्र चले गए, जिन बहनों ने अपने पति खो दिए, ये उनकी जीत है। और मैं कहूंगा कि ये देश के उन
खबर अलीगढ़ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में तीन कानून बिल वापस लेते की बात कही है। काफी लंबे समय से चल रहे किसानों के धरने को खत्म करने का आह्वान किया है। कानून के वापस लिए जाने पर किसानों में खुशी का माहौल नजर आ रहा है। किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा क्या कि देश के प्रधानमंत्री के 2022 के चुनाव को लेकर चुनावी स्टंट खेला गया है। किसानों का कहना है कि मौजूदा सरकार की तरफ से लगातार किसानों को खालिस्तान, देशद्रोही सहित अन्य नाम दिए थे, लेकिन 2022 के चुनाव नजदीक आते ही देश के प्रधानमंत्री को किसानों की ताकत का एहसास हो गया। किसानों के प्रदर्शन की कही जाए तो मौजूदा सरकार किसानों से हार गई है। यह मिस है कि हमें मोदी जी को धन्यवाद कहने, एक साल पीछे सुधाई के हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ जो बैठे हैं, और फिर भी हम धन्यवाद कर रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन हमारा अभी मिशन पूरा नहीं है, हमारा जो आंदोलन है, जब तक हाथ में कुछ नहीं आ जाएगा लिखित में और जब तक MSP पर गारंटी नहीं होगी, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हमारा उद्देश्य हो गया, देखो शहीद हुए, और जो किसी भले कार्य के लिए शहीद होते हैं उसमें कोई दिक्कत, हमारी तपस्या थी और तपस्या हमारी सफल है आधी, और आधी होनी बाकी है। तो कोई नहीं है, अपार खुशी है। और ये जो कानून है, ये मोदी जी में दबाव है वोटों का, उन्होंने समझा कि अब तू गया, कहीं का नहीं रहेगा, तो उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत ये कानून वापस लिए। आज उनको ये भी पता चल गया है कि जब आप ये किसानों को मुट्ठी भर थोड़े से, और ये आनंद का आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी और बताते थे खालिस्तानी, तो आज इनको पता चल गया है कि आप मुट्ठी भर हैं, खालिस्तानी हैं, आंदोलनकारी हम कौन हैं। हम सच्चे धरती पुत्र हैं और इन्होंने धरती पुत्र की हार मानी है। हमें ये कहना है हमारा कि 700 किसान हमारे शहीद हुए, तब इसने जा कर के सुध ली है, अब इसको याद आई है, क्योंकि इसकी चांद पे चुनाव रखा हुआ है। अच्छा, पहले इसको सुध नहीं आई, हमारे किसान इसने गाड़ी चढ़वा के वहाँ मरवाए लखीमपुर में, लेकिन जब भी नहीं आई, अब चुनाव है ऊपर, इसलिए इसको सुध आई है। BJP पर असर है, जब ही तो इसने कानून वापस लिए नहीं है, क्यों कानून वापस लेता, ताना सरकार है, हिटलर शाही है, लेकिन इसको दिख गया तेरे से पब्लिक पूरी खिलाफ हो गई, चुनाव हारेगा कहीं नहीं पाएगा, तब ये कानून वापस ले रहा है। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने से फरुखाबाद के किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है। बता दें कि केंद्र सरकार ने लगभग एक वर्ष पूर्व लागू कृत तीन कृषि कानून लागू किए थे, वहीं अब तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान यूनियन जिलाध्यक्ष अरविंद शाक्य के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया है, और नवाबगंज चौराहा पर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एकत्रित हुए किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी चलाई। तानाशाही सरकार, आखिरकार किसानों के आगे झुकना पड़ा, तो सबसे पहले मैं उन किसानों को नमन करता हूँ जो करीब 600-700 किसान बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं। ये श्रेय जो है उन्हीं किसानों को जाता है जो हमारे किसान जो है बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं। ये किसानों का गुलाम बनाने वाला कानून था, सरकार को आखिर किसानों के आगे झुकना पड़ा और ये तीनों कृषि कानून जो है वापस लेने पड़े। खुशी भी है और बहुत बड़ा दुख भी है। खुशी इस बात की है कि आज किसान संगठन जीतता है। मोदी सरकार ने इस किसान को खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया, आतंकवादी बताया, आंदोलनजीवी बताया। आज एक साल से ज़्यादा हो गया है आंदोलन होते हुए, आज ये कानून वापस करने की बात मोदी जी ने जो कही है, इस बात से मैं खुशी है। और दुख बात इस बात का है कि अगर मोदी सरकार एक साल पहले ये कानून वापस ले लेती तो। अलीगढ़ के थाना गबाना क्षेत्र में स्थित मेहरावल स्टेशन के पास दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ जा रही बस का ट्रैक्टर से टकराने के बाद भीषण एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 दर्जन के करीब लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। इस दौरान चीख पुकार की आवाज सुनकर लोगों की जुटी भीड़ ने रेस्क्यू में जुट गई, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। आनंद बिहार से लोग नॉर्वेज से थे, हरदोई जा रहे थे, और ये अपने ही ट्रैक्टर का ट्रैक्टर ट्राली जा रही थी, उसमें लड़ी। एक सड़क दुर्घटना जो कि रोडवेज बस स्टैंड की बताई गई है, जो कि GT रोड नियर मेहरावल ब्रिज गबाना थाने के आसपास हुई है, जिसमें 22 लोग आए थे
22 में एक महिला को मृत घोषित किया गया, 7 को रेफर किया गया जो गंभीर थे या जिनको उपचार की आवश्यकता थी, जब गंभीर में गंभीरता के कारण जेएन मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ भेजा है। इसके अलावा अलीगढ़ जिले के थाना कवासी क्षेत्र में गोविंद नगर में एक पति ने अपनी पत्नी को दूसरे लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए कई बार मना किया था, लेकिन पत्नी अपने पति की बातों को लगातार दरकिनार करते हुए लोगों के घरों में काम करना जारी रखा। जब पत्नी ने दूसरे के घरों में काम करना बंद नहीं किया तो पति ने पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसके बाद पति ने पत्नी को पकड़ कर गंजा कर दिया। इसके बाद पीड़ित पत्नी ने कप्तान के दरबार में पहुंचकर आरोपी पति और उसके बहन बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की मांग उठाई है। सड़क पे बाल खेच खेच के मोहल्ला वाले सब देखो और कुनवा गोता के ने सपोर्ट कर आई चौकी पे, तो गोइयों कह रहे अरे कोई बात ना घर को मामलो, अरे कोई बात ना घर को मामलो, ऐसा तो कह देते हैं। अब मेरे पास से कहा था मम्मी में ऐसे मारी मेरी बीवी, अब तू चौकी पे रिपोर्ट कर आई तो मैं ही क्या कर लूँगा, उनका कहते हैं। तो फिर एक बोत मन ना मानो मेरे सामान के महीना में मैंने बुला ली और 4 बार बालक यहीं किए हैं अलीगढ़ के, कहा कहते चारों में नहीं करवाए अपने हाथन थे, वो तो सही शराबी फरवरी तो कहा कहते हैं। क्या मामला किस क्यों आए हुए हैं यहाँ पर आज? यूँ आए कि देखो हमारा आदमी काम तो करता ना है, दारू पीते गांजो पीते बाप काम करता ना, मारपीट करते हैं, तो मैं गाँव से यहाँ आ गई, मेरी माँ बुला लाई तो जा वैसे मैंने कि यहाँ पे काम कर रही मैं, तो यहाँ पे भी आ गो लाइफ स्टार पर कई बार चलो मेरे पास, तो मैंने समन ने कही कही कि तुम चोरी तो जा करते का ही अटक तो जी बताओ, फिर भी मारपीट करी फिर भी कुछ ना, मैंने कही मम्मी चलो कोई बात ना है अपना आदमी है हैं, फिर भी मेरे को देखो ले जाके और मेरी बहन थे बहन हुई थे। औरैया के अजीत मत कोतवाली के भीखेपुर नेशनल हाईवे पर लद्दाख से इलाहाबाद जा रही एक आर्मी की जीप पलट जाने से उसमें सवार कई जवान घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अजीत मल अस्पताल और औरैया के 50 सैया चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां से 2 जवानों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें रेफर कर दिया गया है। अजीत मल जियन के जियनपुर थाना के कठैचा गांव में शादी के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो शादी का बताया जा रहा है, जिसमें डीजे पर डांस के दौरान लड़की पक्ष के लोग बाराती पक्ष की तरफ से आई, लड़कियों ने छिड़कानी करने लगे और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसकी सूचना डायल 112 पर दी गई, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने भी मारपीट की गई। मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं। फतेहपुर जनपद के खागा नगर में दीपोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आयोजित कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष शिवचंद्र शुक्ला की तरफ से झंडारोहण हुआ। झंडारोहण के बाद सामूहिक रूप से राष्ट्रगान भी हुआ। इसके बाद सभी आयोजन समिति के पदाधिकारी और सदस्य गढ़ दिए गए अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाने में पूरी लगन से लगे रहे। ये कार्यक्रम अब पूरे दिन अनवरत जारी रहा और बता दें कि सभी विद्यालयों से बच्चों का 1,00,000 दीप महोत्सव में शामिल होने के लिए बाजे गाजे के साथ अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक पर पहुंचे। खागा नगर के अमर शहीद ठाकुर के दरियाव सिंह स्मारक के वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम होंगे। खागा नगर में अमर शहीद ठाकुर के दरियाव सिंह स्मारक में वीरांगना लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव पर कार्यक्रम होगा। सुल्तानपुर में बीते 15 नवंबर का एक वीडियो सोशल मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। इस वीडियो में रेलवे स्टेशन पर युवकों और पुलिस से नोकझोंक दिखाई पड़ रही है। दरअसल बीते 14 नवंबर को मुरादाबाद का रहने वाला जाबिर हुसैन सदवाना एक्सप्रेस से अपने एक साथी के साथ सुल्तानपुर आ रहा था। इस दौरान उसने अपने पास ट्रैक्टर खरीदने के लिए 2,98,000 रुपए भी रखे हुए थे। आरोप है कि रास्ते में उसे जहर खुरानों ने नशीली चाय पिलाकर उससे 2,98,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गए। इसकी शिकायत करने जाबिर अपने साथी के साथ दोपहर सुल्तानपुर जंक्शन पर स्थित जीआरपी थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया, लिहाजा प्लेटफॉर्म पर ही दोनों युवकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे का यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और मालिक दोनों लोग 15 तारीख को आए और जो है उन्होंने कहा इसके साथ जो है जहर खुरानी हुई है, दिन के वही 12-1 बजे की बात होगी। आरपीएफ द्वारा उनका मेडिकल कराया गया, डॉक्टर ने बताया
कुछ स्ट्राइक जो है कोई लक्षण प्रकाश में नहीं आ रहे। इसके बाद कल शाम को आए, कहा कि ड्राइवर सर गया नहीं है, तो उसको उसकी सुपुर्दगी में दे दिया गया। और उसी पर ड्राइवर और मालिक ने अपने संयुक्त रूप से ड्राइवर ने लिखा कि मेरे साथ कोई ट्रेन में घटना नहीं हुई है और मालिक द्वारा उसको सुपुर्द। फरुखाबाद के थाना कमालगंज के मोहल्ला गांधी नगर में रेलवे स्टेशन पर एलएलबी के एक छात्र ने नकाबपोश बदमाश ने गोली मार दी। गंभीर हालत में छात्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां छात्र की हालत गंभीर देखते हुए उसे सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं घायल युवक के परिजनों ने किसी से रंजिश होने से इनकार किया है। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई और घायल युवक का बयान दर्ज करने के साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कमालगंज रेलवे स्टेशन पर टहल रहे थे। हाँ, तो पता नहीं कैसे फोन पर बात कर रहे थे टहल, तो वहाँ एक अचानक कोई फायर भट्टी चला गया देखने के लिए। एस गुप्ता को किन्हीं अज्ञात लोगों ने रेलवे प्लेटफार्म पर गोली मार दी, उसकी सूचना पर ही मैं यहाँ आया था। क्या स्थिति है अभी तक? हालांकि खतरे से बाहर बताया गया है डॉक्टर्स के द्वारा, लेकिन फिर भी फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उसे सैफई रेफर किया गया है। पुलिस सूचना दी गई थी? पुलिस को सूचना कर दी गई थी और जीआरपी के एसओआई भी थे। अग्रिम कार्रवाई, जब यह गुप्ता ठीक होकर आ जाएगा तब होगी। रेलवे स्टेशन कमालगंज के प्लेटफार्म नंबर एक पर पूर्व की दिशा में टहल रहे थे, वहीं से आगे उनके पेट को गोली लगी है। तुरंत प्रभारी निरीक्षक उनको CHC ले गए, जहाँ से उनको जिला चिकित्सालय लोहिया हॉस्पिटल फरुखाबाद भेज दिया गया है। वर्तमान में खतरे की हालत में नहीं है और उनका इलाज चल रहा है। फतेहपुर के विकास खंड खजुआ के भरतपुर प्राथमिक विद्यालय में स्कूली बच्चों के मिड डे मील बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर BSA ने कार्रवाई करते हुए स्कूल में तैनात टीचर को सस्पेंड कर दिया है। वहाँ इस मामले में BSA संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। भरतपुर में जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके संबंध में संबंधित वहाँ की जो खंड शिक्षा अधिकारी थी जांच कराई और उसमें विभागीय कार्रवाई करा दी गई है। गाजीपुर में शिक्षा माफिया के 6,96,00,000 की कीमत की जमीन को कुर्क किया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मुनादी बजाकर जमीन की कुर्की कराई गई। आरोप है कि शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा पर गैंग बनाकर नकल और पेपर आउट कराया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 0.278 हेक्टेयर जमीन को कुर्क किया गया। शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा अवैध अर्जित किए हुए धन से खरीदी थी। यह कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय गाजीपुर के आदेश, जिसमें शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा पुत्र स्वर्गीय बंसी कुशवाहा द्वारा उनके विरुद्ध मुकदमा है कि उन्होंने शिक्षा को अनाधिकार रूप से कब्जे में कर लिया और नकल कराना, पर्चा आउट कराना ये कार्य करते थे। उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने उनकी बेनामी संपत्ति जो 1543 घाटा नंबर है, जिसकी कीमत लगभग 6,95,50,000 है, उसको आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क की गई है। देखिए, शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा पुत्र बंशी कुशवाहा के विरुद्ध सामूहिक नकल कराना, पर्चा आउट कराना आदि के संबंध में थाना कोतवाली गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 1775/16 दर्ज किया गया था। उसी मुकदमे में आज जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत उनकी बेनामी भू संपत्ति को कुर्क। हाथरस के काशीराम जिले में एक बस तीर्थस्थल सोरो जा रही थी, लेकिन जब ये बस हाथरस जंक्शन थाना क्षेत्र के गांव रामपुर पर पहुंची तो सामने से आ रहे ईंटों से लदे ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित हो गई, जिससे रोडवेज बस टकराते हुए एक पेड़ में घुस गई, जिसके कारण रोडवेज बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें एक दर्जन से अधिक सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। मैनपुरी जनपद में अलग अलग क्षेत्रों से ATM कार्ड बदलकर फ्रॉड करके खातों से रुपया निकालने वाले दो बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश की।
लेकिन पुलिस ने भाग रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यह बदमाश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में भी फ्रॉड करके लोगों के खातों से रुपए निकालते थे। ये पिछले कुछ समय से मैनपुरी में इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि एटीएम कार्ड बदल बदल करके और लोगों के पैसे अवैध तरीके से निकाले जा रहे हैं। इस पर कई अभियोग भी पंजीकृत किए गए थे विभिन्न थानों में। उसी के क्रम में फिर साइबर सेल के द्वारा इसमें प्रयास किया गया और बाद में एक गैंग ट्रेस हुआ है जिसमें फिलहाल तो 3 मेंबर्स हम लोगों ट्रैक किए हैं। एक प्रेम कुमार ये फिरोजाबाद कराने वाला है, दूसरा ये विमलेश है जो कि इटावा कराने वाला है, एक अभियुक्त और फरार है। और ये लोग जो सीधे साधे लोग हैं उनकी एटीएम को बदल करके इन्होंने काफ़ी पैसे आसपास के जनपदों में इन्होंने कई घटनाएं कारित की हैं और एक तरह से अंतर जनपदीय है, मथुरा से लेके और राजस्थान और अन्य स्टेट्स में भी उन्होंने कार्रवाई की है। उन्हीं के द्वारा फिर ये इस तरह की घटनाएं की गई। लगभग 125 एटीएम कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं और कैश भी करीब 1,15,000 से अधिक का कैश प्राप्त हुआ है। इसी पैसे से इन्होंने एलईडी टीवी खरीदा था, मोटरसाइकिल। फतेहपुर के मलवा विकास खंड में छोटी काशी नाम से मशहूर शिवराजपुर में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला ऐतिहासिक मेला शुरू हो गया है, जिसमें दूर दूर से आए दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई हैं। इस बार मेला लगने का आदेश प्रशासन ने दिया है जो 19 नवंबर से शुरू होकर 25 नवंबर तक चलेगा। इस मौके पर उप निरीक्षक शैलेश यादव के साथ कांस्टेबल व महिला कांस्टेबल मेले में जाकर शांति व्यवस्था का जायजा लिया। मऊ में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दोहरी घाट के सरयू तट पर श्रद्धालु पहुंच गए और पूर्णिमा स्नान का लाभ उठा रहे हैं। वहीं शीतला धाम में आज 51,000 दीपक जलाकर देव दीपावली के भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जबकि ढेकुलिया घाट के सर्वेश्वरी धाम भी दीपों की रोशनी से जगमगाएगा। ये दिवाली जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के दिन देव दिवाली मनाई जाती है। एक दिवाली मनाई जाती है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और यह देवता जो है अपने में देव दिवाली मनाते हैं, यह देवताओं की देव दिवाली है। तो आज के दिन जो है जितने देवता हैं सब लोग पृथ्वी पर आके भ्रमण करते हैं और अपने देव दिवाली को। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष अद्वैन दत्त द्विवेदी ने कहा कि जिस तरह से देश भर में किसानों के नाम पर देश को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं इसके उलट देश भर के किसान भाजपा के विचारधारा के साथ खड़ा है, जिसके लिए 29 नवंबर को सोनभद्र के हजारों किसानों ने 500 से अधिक ट्रैक्टर की रैली जिला मुख्यालय पर निकालेंगे। 3-4 विषय हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर सोनभद्र में हम सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हैं। पहला विषय यह है कि देश में एक माहौल विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाया जा रहा है कि किसान आंदोलनरत है और किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं है। तो हम सभी किसान मोर्चा के लोग ये बताना चाहते हैं कि देश भर का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके निर्णय के साथ है। इसी क्रम में 29 नवंबर को हजारों किसान सैकड़ों 500 से अधिक ट्रैक्टर के साथ सोनभद्र में रैली करेगा, जो रैली हमारी जिला मुख्यालय पर बाज़ार से होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएगी। इस रैली के माध्यम से हम सभी ये बताएंगे कि देश भर का किसान और सोनभद्र का विशेषतर किसान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ा है। दूसरा जो बिंदु हम लोगों के आज के प्रेस वार्ता का ये है कि अभी किसानों का धान का उपज तैयार हो गया है। किसानों की धान खरीद के लिए हम सभी आप सबके माध्यम से, आप सभी पत्रकार बंधु के माध्यम से सोनभद्र के और उत्तर प्रदेश भर के किसानों को यह बताना चाहते हैं कि हर किसान का धान खरीद होगा। हमारी सरकार योजना लेकर के आई है, इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है और किसान मोर्चा हर क्रय केंद्र पर टास्क टीम का गठन कर रही है और उस टास्क टीम के माध्यम से हर किसान को सुविधाजनक तरीके से उसका धान विक्रय हो, समय से विक्रय हो, उसका समय से उचित मूल्य मिले, इसके लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।